हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे नैनो मिस प्रेयर का। सब्सक्राइब टू आवर चैनल पी ब्रॉस फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं पूरी इसकी डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे मैंने यूज़ किया है, कैसे यूज़ करना है एंड मैंने ये कहाँ से ख़रीदा और क्या क्या कहाँ कहाँ ये यूज़ किया जा सकता है और क्या क्या इश्यूज़ मैंने फ़ेस किए और ओवरऑल इसकी क्वालिटी कैसी है, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, ये वीडियो पूरा और एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए क्विकली ओपन करते हैं। ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, इसकी कॉस्ट अराउंड 229 के अराउंड थी, बट और भी स्टार्टिंग फ्रॉम 150 रुपीज़ ऑल्सो ये अवेलेबल है। ओके, इसकी पैकिंग और ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी, अच्छे से पूरा पैक नया पीस था और लेटेस्ट भी था, इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना अराउंड अक्टूबर 2020 और उसकी ओवरऑल पैकिंग पैकेजिंग पूरी न्यू पैकिंग थी। तो ये मैं इतना न्यू पे क्यों ध्यान दे रहा हूँ, ये आपको बाद में समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो ये बेसिकली आजकल ये कोरोना के चलते बहुत ये फेमस है चीज़। ये बेसिकली इसका मेन पर्पज़ है वो मॉइस्चराइज़र एज अ यूज़ होता था पहले, मॉइस्चराइज़र मीन्स फेस या स्किन मॉइस्चराइज करने के लिए। तो ये मैंने पूरा, आप देख सकते हो, ये गीला हुआ है तो मैंने पूरा सैनिटाइज करके लिया है इसलिए। तो ये बेसिकली फेस मॉइस्चराइज़र है, बट इसका भी आजकल लोग सैनिटाइज़र डाल के उसमें वो भी एज अ मिस प्रेयर भी यूज़ कर रहे हैं। तो उससे तो कुछ इशू नहीं है, पीपल आर यूजिंग इट। तो क्विकली चलिए ओपन करते हैं। ये बहुत कॉम्पैक्ट भी साइज़ में आता है तो, और इसकी लेंथ कहाँ तक जाती है, कितने फोर्स से ये मॉइस्चर आता है, कितने तक कैपेसिटी है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो ये देखिए बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, इजी टू यूज़ भी है। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी वो सब अच्छी लगी मुझे, बट मुझे एक प्रॉब्लम भी आया इसके साथ, मैं आगे डेफिनेटली एंड ऑफ द डे वीडियो के बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे वो लाइट भी है और इसका जो चार्जिंग है तो मैंने अराउंड 1 hour to 2 hour चार्जिंग के लिए लगाया था फर्स्ट टाइम जब यूज़ करने से पहले, जो कि लगाना चाहिए यूजुअली। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा 4 to 5 hours फर्स्ट जब आप चार्ज करोगे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो वो लगाना चाहिए। ये देखिए ये इसकी बिल्ड क्वालिटी वो सब बहुत ही अच्छी है और इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इसको ऊपर से हमें डालना होता है सैनिटाइज़र या फिर वाटर जो भी है, एंड ऊपर से उसका कवर है, बाकी जो आते हैं वो जो अपना नीचे का डिवाइस है वो उल्टा करके उसमें लगाना होता है। बट ये मुझे डिज़ाइन इसका अच्छा लगा, स्लीप भी नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका चार्जिंग पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्लियरली मॉइस्चर स्प्रे। ये क्या करता है एक्चुअली, जो अपना वाटर या सैनिटाइज़र जो भी है उसको मॉइस्चर में कन्वर्ट करके वो स्प्रे आउट कर देता है। तो ये इसके अंदर अराउंड 30 to 45 ml तक आप वाटर या फिर लिक्विड सैनिटाइज़र आप इसमें डाल सकते हो, बट मैं तो सजेस्ट करूँगा थोड़ा पूरा फुल भर के नहीं रखें, थोड़ा गैप रखें ताकि अराउंड 25 to 30 ml ही इसमें रखें। तो ओवरऑल तो इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, बट इसका मेजर प्रॉब्लम मुझे हुआ कि चलिए पहले इसका फंक्शनलिटी देखते हैं कैसे हैं। तो ये देखिए ये तुरंत चालू हो गया, ब्लू लाइट है, अब जैसे ये देखोगे ये स्प्रे होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसका फोर्स भी ठीक ठाक ही है, बट ये आउटडोर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आउटडोर में जैसे हवा आती होती है ज़्यादा तो इसका फ्लो इतना स्टेबल नहीं रहता, अभी इंडोर है इसलिए ईजिली वो फोर्स से आ रहा है। तो ये मैंने अभी तक चार्जिंग नहीं किया है, विदाउट चार्जिंग जो उसका ऑलरेडी चार्जिंग था उसके ऊपर ही ये सब चल रहा है। देखिए फोर्स तो अच्छा खासा है। ये बेसिकली हम अगर सैनिटाइज़र डाल के यूज़ करना चाहते हैं तो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे करेंसी, मोबाइल
इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आप कार सैनिटाइज एक्सेट्रा करने के लिए, बट ये उसके लिए काफ़ी नहीं है क्योंकि इसका स्प्रे का जो लेंथ है वो बहुत शॉर्ट है और फोर्स भी इतना नहीं है जिससे आप पूरा कार या कोई बड़ी चीज़ कवर कर सके। देखिए ये ऐसा मॉइस्चर में कन्वर्ट होकर आ रहा है। तो एक्चुअली इसके साथ मुझे एक बेसिक प्रॉब्लम हुआ कि अभी एक या दो दिन तो अच्छे से चला था, बट उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसमें से लीक होने लगा डेटा। तो जो भी हमने इसमें वाटर सैनिटाइज़र डाला था वो ऑटोमेटिकली लीक होने लगा, इसलिए मैंने डेफिनेटली वो रिटर्न की रिक्वेस्ट की अमेज़ॉन से और उन्होंने अच्छा सपोर्ट दिया मुझे। तो ये देख सकते हैं इसका लेंथ अच्छा खासा है, अभी एयर नहीं है इसलिए, बट ये डेफिनेटली फॉर सैनिटाइजिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ही है। तो आप देख सकते हो इसका लेंथ, अगर मतलब कितना दूर तक जा रहा है वो ठीक ठाक ही है इस डिवाइस की इस कॉस्ट के हिसाब से। बट इसकी एक्चुअल कॉस्ट मैंने होलसेल मार्केट में देखी, तो इसका मिनिमम कॉस्ट मतलब अलग अलग कॉस्ट के डिवाइसेस थे बट होलसेल मार्केट में, तो आप देख सकते हो मैंने अभी इसमें सैनिटाइज़र डाला है, पहले इसमें मैंने वाटर डाला था, अभी सैनिटाइज़र डाला है। तो ये मैंने जो लेवल जिस लेवल तक डाला है उससे थोड़ा कम लेवल तक ही डालना है, वो तो बेटर रहेगा। अभी जैसे आप डिफरेंस देख सकते हो, जैसे नॉर्मल वाटर था तो उसका फ्लो थोड़ा अच्छा था और थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा था, बट ये जैसे सैनिटाइज़र डालने के बाद थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आया है। तो अभी ये देख सकते हो ये इसमें चार्जिंग केबल आता है इसके साथ और वो डिवाइस, दैट्स इट। अब कोई भी यूएसबी पिन को लगा के आप चार्जिंग कर सकते हो। तो ये देख सकते हो इसका ओवरऑल बॉक्सिंग पैकेजिंग, और ये बेसिकली चाइना से ही इम्पोर्ट हुआ है। तो ये इसकी केबल थोड़ी छोटी है, तो अगर प्लग थोड़ा हाइट पे है तो लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप नॉर्मल माइक्रो यूएसबी किसी भी फ़ोन का केबल भी लगा सकते हैं। तो ये जब भी आप चार्जिंग पे लगाओगे तो डेफिनेटली ये बंद रहेगा फ्लो, जैसे कि देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लो आ रहा है जैसे चार्जिंग बंद किया, और जैसे ही चार्जिंग हम फिर से लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो उसका बंद हो जाएगा। एंड ये रेड लाइट है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग दी चार्जिंग। मैंने वीडियो के एंड में जो भी मैंने लीकेज का इशू बताया वो फ़ोटोज़ डाले हैं। तो देखिए ये जो फ़ोटोज़ हैं, ओके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।